जाने वाली रुक जा, मैं दौड़ा ही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। तू आके चली छम से जू धूप के दिन पानी, देखा ही नहीं तुझको सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से जू धूप के दिन पानी। रुक जा रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। पैसे
किस बात के पैसे? वो जो अभी अभी मैं बोतल ले गया था ना, उसमें आधा पानी था। क्या बात करता है कन्हैया, अरे बोतल में सील बंद। अरे पानी डाल के बोतल पानी से मेरा माल पूरा कर। अरे जो चाहे तू कह ले, मगर मेरा माल असली है। तेरा माल असली तो मैं झूठ बोल। अरे लाला, पूरी बोतल पी के आदमी वो नशे में चूर होता है, क्यों गोकुल? हाँ कन्हैया। हाँ बोल बोल बोल, अब बोल। पर नशा तो बराबर है कन्हैया। अरे लाला, इसे नशा नहीं कहते, नशा तो उसे कहते न हाथ हिले न पहुंचे। पर देख लाला, मैं तो नाच भी सकता हूँ। ले लाला। किसकी है? अरे किसी की भी हो, तुझे क्या? निकाल संतरा, निकाल निकाल। ले भैया। शुक्र है कन्हैया ने अपनी बोतल ले ली, अब तू भी निकाले अपना गिलास। लाला दारू में पानी मिला, यारों को धोखा देता है। याद रख, अगले जन्म में कोई पानी भी नहीं पूछेगा। पानी कौन मिलाता है कन्हैया? हो गया है, बकवास करता। ये नशा है। एक मेरे हाथ हिलते, पांव उठता, हाँ मैं पी नहीं सकता। झांझर झांझर, वो तो तूने पी लिया कन्हैया। पी ली? देख लाला, मेरा नाम कन्हैया, मैं शराब पीता हूँ, बहुत पीता हूँ, लोगों से झगड़ता लड़ता हूँ, वो भी थी, पर मैं बेईमान नहीं, समझे? किसी की अमानत नहीं पी सकता। निकाल सकता फिर वही झांझर? निकालता है, निकालता है क्या ध्यान मेरे भाई है? ये ले। कन्हैया किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, समझे? जिसकी ये झांझर है उसे लौटाने जा रहा हूं नाटक में। उदास क्यों बैठी हो तुम? बताओ ना, हमसे रूठ गई हो क्या? हमारी बंसुरी भी आज अच्छी नहीं लगती तुम्हें? जैसे तुम छलिया हो ना कन्हैया, वैसे ही तुम्हारी बांसुरी है। पर इसमें उदासी की क्या बात है राधे, हम भी तुम्हारे हैं और हमारी बांसुरी भी। इसीलिए गोकुल छोड़कर द्वारका जा रहे हो? तुम राधा के मन का हाल क्या जाना? उससे न तुम्हारी बांसुरी की लगन होती, न उसके जीवन में उदासी छाती। इस पर भी पूछते हो उदासी की क्या बात है? गोकुल से जा रहा हूँ राधे, तो तुम्हारे मन से थोड़ी ही जा रहा हूँ। तुम जब भी आंखें बंद करके हमारा ध्यान, हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे। पर तुम्हारी मुरली तो मुझे सुनाई नहीं देगी। कौन बजाएगा मत भरी तान? कौन छेड़ेगा मेरे मन के तार? तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, दिल की पुकार कभी खाली नहीं भी चाहोगी, हमारी मुरली तुम्हें जरूर सुनाई देगी। क्या ऐसा भी हो सकता है भैया? हो सकता है, जो प्रेम भक्ति में बदल जाए उसमें बड़ी ताकत होती है राधे। तुम्हारी तो बात ही और है, हमें तो कोई भी अपनी सच्चाई से जीत सकता है। आज और आज से हजारों साल बाद जब भी हमें कोई सच्चे दिल से कहेगा कन्हैया बांसुरी बजाओ, तो हमारी बांसुरी की तान उसे जरूर सुनाई देगी। झूठ, एकदम झूठ। कौन सुनाएगा बांसुरी? कौन सुनेगा? सब कहने की बातें हैं, सब खामोश। कौन है जिसके दिल फिर गए? कन्हैया पानी हो गया, ये तो नाटक हो रहा है। मैं भी तो यही कहता हूँ चाचा, नाटक हो रहा है। तो वो कौन सा बीच में बोलने वाला? अरे कोई होगा पागल है। पागल का चाचा।
कैसे हो सकता है चाचा, हजारों बरस बाद कोई मुरली मनोहर की मुरली सुन सके? हो सकता है कन्हैया, वो देखो सामने मुरली मनोहर खड़े मुरली बजा रहे हैं। हाँ है चाचा, क्या प्यारी धुन है मुरली की। हाय हाय, अरे वो राधा आ रही है मटकी उठाए हुए। चल चल चल, वो कन्हैया ने मटकी फोड़ दी और कृष्ण मक्खन खाने लग गया। चाचा थोड़ा सा मक्खन मांग ले, मेरा गला खुश्क हो रहा है। अब वो कह रहा है मांग ले कन्हैया। माँ, अरे वो कन्हैया। गंगा बहन, मैं और कन्हैया दोनों भक्ति रस की बातें कर रहे थे। भक्ति रस की? मक्खन रस की। अरे मैं सब जानती हूँ, छोबड़ा इधर फेंक, दारू की फू नहीं उड़ जाएगी ऐसे। छोबड़ा इधर फेंक, नाटक में क्या उधर बताया तूने? नाटक वाले भी झूठ बोलते हैं माँ, बड़ा बताओ हजारों बरस बाद कोई मुरली सुन सकता तो सुन सकती है? टांगे तोड़ के रख देती, चल घर से बताती हूँ तुझे। बिंदु कुछ नहीं, अरे अब तो भी जा, खिड़की में खड़ी क्या देख रही है? तुम्हारी लाडली को अब गाय से बातें कर रही है। अरे तो क्या हुआ, जा जाके सो जा। वो प्रेम भक्ति में बदल जाए उसमें बड़ी ताकत होती है राजू। तुम्हारी तो बात ही और है, हमें तो कोई भी अपचाई से नहीं। आज और आज हजारों साल बाद जब भी हमें कोई सच्चे दिल से कहेगा कन्हैया बांसुरी बजाओ, तो हमारी बांसुरी की तान उसे जरूर सुनाई देगी।
शानो, ओ शानो, कौन? गौरी। कैसी? शानो कहाँ है? अभी अभी तक के बारे में। हाँ, चली गई। मगर चाची, आज मेरे बिना कैसे चली गई? मैं क्या जानू? मौत के मालिक है, आज करके ही यहाँ खुल गई, तो फिर चल दी, ये ले, उसे दे देना, हाँ। चूरी ले जाना भी भूल गई पगली, बहुत मोह करने लगे जाना होगा। तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था गौरी। झूठ मत बोलो भैया, तुम जिसका रास्ता देते हो वो सुबह पापा है। इतनी जल्दी? हाँ, बहुत मोह करने लगी है जनाबों से, मेरी बात तक नहीं देखी उसने भैया। सुन, ये रेवड़ियाँ दे देना उसे, मैं शाम तक यहीं बात देखूंगा। ओहो, तुम तो सच्ची पागल हो भैया, चानो कहीं भागी तो नहीं जाती? आखिर तुम्हारी मगेतर है, इतना ही मोह है तो शादी क्यों नहीं कर लेते जल्दी से? ओहो, कैसे कर लूँ, तू जो रास्ता रोके खड़ी है, पहले तेरे लिए तो वर ढूंढ लूँ, नहीं तो बिरादरी में नाक नहीं कट जाएगी मेरी। मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कहना क्या है चानो से? सुन, उससे कहना कि इन रेवड़ियों में जो गुड़ है वो शानो है। ओहो, और उसके साथ जो तिल चिपते हुए हैं वो मोनो की मोहब्बत। हाय हाय भैया, लाज नहीं आती तुझे? अरे लाज किस बात की पगली, एक ना एक दिन तो तेरी भाभी बनकर आने ही वाली है शानो। मगर कन्हैया, तुमने खुद ही तो कहा था कि जब भी कोई मुझे सच्चे दिल से कहेगा मैं पार्टी जाऊंगा। कन्हैया, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, बचाओ ना, बचाओ पार्टी। अगर यहाँ हो तो बांसुरी क्यों नहीं बजाते कन्हैया? देखो, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, बजाओ बजाओ बांसुरी कन्हैया, बजाओ बजाओ ना। तुमने भी सुनी है ना बांसुरी? बांसुरी? हाँ, बांसुरी की तान अभी अभी तो बज रही थी। कहाँ बज रही थी? पहले तो नहीं सुनी, तुम्हारे कान बज रहे होंगे पगली। कान नहीं गौरी, बांसुरी बज रही थी। बांसुरी कहीं तुम्हारा सर तो नहीं फिर गया? बांसुरी बजती तो मैं ना सुनती। मैंने सुनी और तूने सुन ली। अब मैं समझ गई, तुम्हें देखकर उसने बांसुरी बंद कर दी। किसने बंद कर दी है? कन्हैया ने। कन्हैया ने? हाँ,
अब तुमसे क्या पर्दा है गौरी, कन्हैया की लगन चिंगारी बनकर कब से दिल में दबी थी, आज वो चिंगारी भड़क उठी है। ओ, आप समझी, इसीलिए आज सुबह सुबह घर से निकल पड़े थे। हाँ, अब पूजा मेरी बहन तू नहीं जाएगी तो कन्हैया वापसी नहीं हो जाएगा। घर में जा तू और चूल्हे में जाए तेरा कन्हैया। कन्हैया गाड़ी चली गई, अब बचा बाकी, बचाओ बचाओ ना कन्हैया।
कन्हैया की? हाँ, गांव के लफंगिया पसंद है तुम्हारी शानों को। शराबी कन्हैया की जोगन बनी फिरती है तुम्हारी शानों। ये क्या कहती है गौरी? ठीक कहती हूँ भैया, सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों से देख कर आई थी। उस मुए की मुरली पर मोरनी की तरह नाचती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भाभी। इस दुनिया में सब लूट है, लूट सके तो लूट, बाल नदी को कर सके सब जगबैरी हो। ये क्या बात है लाला, आज मुझे को बहुत सौ दे रहे हो। अरे मर्द की मुर्सी की मत उठा जाने को, कोई 100 रुपए का एक एक बाल होता है। लाख रुपए की बात की है लाला, लाख रुपए की बात। खुला एक बोतल नहीं लिखना, अच्छा निकाल 4 रुपए तो सोना। ये ले और बाकी के 95 रुपए 96 मेरे खाते में जमा कर दो। क्या मतलब? मतलब तो साफ है। अरे लाला तूने ही तो कहा कि मर्द की मूछ का बाल 100 रुपए का होता है। मैं मर्द नहीं हूँ। कौन कहता तुम मर्द नहीं हो? जैसा मर्द तो खड़े गाँव में नहीं है। तू ही खरीद रहा है इसका बाल? मैं लाला, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपये है, पूरी रकम होती तो जरूर खरीद लेता। तो ले तुझे 5 रुपए में दे देता हूँ, क्या याद करेगा किसी मर्द के पारा पारा। बोलू तू यहाँ मोहब्बत पर डाका डाला? कौन है वो कमी मुझे बता। चाकू मैं बोलू वाह खत्म हो गई, उतर गया जोश। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला। क्या बक रहे? चाकू मारना मुझे भी आता है कन्हैया, पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष है? जब शानो तुम्हारे नाम की माला जपती हूँ। अरे मोनू ज्यादा चढ़ गई है क्या? हम उस बिचारी का नाम बदनाम करते, तुम्हें किसी ने गलत बताया? मेरी बहन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या देखा है तेरी बहन ने? यही कि शानो तेरी मुरली की दीवानी, तुम बजाता है वो मोरनी की तरह तेरी मुरली पर। इश्क और मुझ छुपाए नहीं छुपते, मौज करो प्यारे मौज करो। शुक्रा मोनू, मैं ऐसा आदमी नहीं, चल जाओ यहाँ से वरना बात लंबी हो जाएगी। बात छोटी ही कब है, आज मैं कहता हूँ कल सारा गांव कहेगा किस किस पर पकड़ोगे। मुरली बजाओ मुरली। मैं मुरली बजाता कहींदा चाचा आओ आप सीधे मालूम होते एक एक रास्ता भूल कर आ गए हो इधर। वो शानो है ना, मुझ पे मरती है और मुझे खबर तक नहीं। सीधे ये शानो तो है आदमजान, मुझ पर परियां मरती थी परियां, मरते मरते मर गई बेचारे, पर मुझे खबर तक नहीं हुई। मुझे सामने शानो की बात कर चाचा। चाचा की बात सुन बदीजे, 18 परियां थी और 19 में थी उनकी रानी। हाय हाय हाय, जब वो सन्नाटे में बिरहा गाती थी तो तेरी कसम आकाश के उससे पैरवनम पड़ती नहीं थी। मेरी बात तो सुन लो चाचा, मोनू कहता शानो मेरी मुरली की दीवानी, क्या मैंने तो कभी बजाई ही नहीं आज तक। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, एक मुरली खरीद पहले, भोलेनाथ कल्याण करेंगे। आज फिर पी कर आया है तू? पी किसने है माँ? पी नहीं तो थोपड़ा क्यों उधर फेर लिया है? थी, 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 थी। अरे कितनी बू आ रही है तेरे मुंह से। मैं मुझे खुशबू किस दिन आई थी तुझे, जब मैं अपने बेटों के ऐब छुपाती और तू है दम दम करके सारे गांव को सुनाती। अरे सारा गांव सुन रहा है तुझसे। सारा गांव मुझसे जलता है माँ, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्या बिगाड़ा है अंदर चल बताती हूँ। ये देख कब से बैठा तेरी जान को रो रहा है, कर इसके 5 रुपए वापस। कौन से 5 रुपए माँ? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, वापस करता हूँ 5 रुपए। क्या 5? ये तो आने चाची चला से, फिर कभी मत उलझ सके। पहले तो बड़ी चेखी दिखाते हैं और फिर रोने तो बैठ जाते हैं आकर। सारा
रोज मार खाता है तुम उसे देख लो, तेरे कल्ले भी लाल हो गए। क्यों बैठता है तू इन लोगों में? कल से नहीं बैठू, नहीं बैठू, बिल्कुल नहीं बैठू। तुम एक आठा नहीं देते माँ, सवेरे में एक बांसुरी खरीदूंगा, रोज अकेले बैठ के बजाऊंगा, न किसी के लेने में न किसी के देने में। अरे आठा नहीं क्या बेटे, सवेरे मैं तुझे रुपया दूंगी, आज बांसुरी खरीद के लाना। तो कितनी अच्छी है माँ। मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। शानू नहीं आई तेरे साथ? मैं चौकीदार हूँ तेरी शानू की। चल। तुम्हारी बांसुरी की लगन में सारी रात आंखों में काटी है मैंने, अब बचा बांसुरी। कन्हैया क्यों तड़पा रहे हो मुझे? कन्हैया आज तुझे क्या हो गया है? बजाओ। बजाओ ना, बजाओ ना कन्हैया। शानू को हो कन्हैया, शानू कन्हैया फिर एक बार कहो मेरी शानू। कन्हैया तुम्हारी शानू के सोए हुए भाग जाग उठे, उसके सपने सच्चे हो गए। वचन दो कन्हैया कि अब तुम उसे अपने चरणों से कभी अलग न करोगे। तुम्हारी जगह चरणों में नहीं, मेरे दिल में है शानू। सच? बिल्कुल सच। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई जगह है? मेरा तो दिल ही कन्हैया है, और दिल की हर धड़कन में कन्हैया का प्रेम। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तुम मुझे पहले मिले ही कब थे? मुझे तुम्हारी ही लगन रहती थी कन्हैया। सच्ची लगन कभी खाली नहीं जाती, आप हम रोज मिला करेंगे। हाँ। मगर कहाँ? जहाँ भी तुम जी बजाओगे। बांसुरी? हाँ, तुम जहाँ बांसुरी बजाकर मुझे बुलाओगे मैं वहीं आ जाऊंगी। मेरी कसम? तुम्हारी कसम कैसे खा सकती हूँ कन्हैया, अपनी कसम। अरे तेरी नबज तो मेंढक की तरह उछल रही है, कलेजे में गर्मी और जिगर में सर्दी हो गई है तुझे। क्या खाया था आज? मूली के पराठे। मूली के पराठे कितने? छह। तो ले ये नसवार की पुड़िया, छह बार दिन में सूंघ ले, छह के छह हजम हो जाएंगे। छह आने चाचा। ओ हाँ वजीरे, क्या बात है चाचा? चाचा ये शानू पागल तो नहीं? पागल क्यों? मैंने बांसुरी बजाई नहीं और उसने सुन ली। अरे भतीजे मैंने भी कभी बीन नहीं बजाई थी, वो परियों की। गोली मारो परियों को चाचा, मेरी बात सुनो। अजीब लड़की है ये, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। मैं जब वहाँ पहुँचा तो आंखें बंद किए मेरे नाम की माला जप रही थी। अच्छा,
मैं चुपके से उसके पास जा बैठा, वो मुझसे लिपट गई और मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करने लगी। फिर क्या, अचानक कहीं से एक मेमड़ा बोल उठा और वो मुझे छोड़ के इसती नहीं। मैं शानो शानो पुकारता रहा लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। चाचा चाचा, इसका कोई टोना टोटका नहीं हो सकता? अरे हो क्यों नहीं सकता भतीजे, कल पूर्णमासी थी ना, तमाम रात एक टांग पर खड़ा रहा हूँ तेरे साथ। क्यों? वो इसलिए कि पूर्णमासी के चांद की किरणें इस तावीज में भर दूं, तो मैंने भर ली एक ठन्नी देने गुरु को और फिर बांध ले सज्जे बाजू पर। फिर क्या होगा? अरे फिर देखना तुम, मोहब्बत की आंख मचोली। आंख मचोली? यही तावीज बांधकर मैं परियों से आंख मचोली खेला करता था। वो सामने आती थी तो मैं छुप जाता था, वो मुझे ढूंढती थी तो मैं छुप छुप कर उन्हें बुलाता था, फिर सुबह से शाम तक मोहब्बत की बातें होती थी। पर मुझे करना क्या होगा? अरे तुम्हें ये करना है, वो कल सावन महीने का पहला मंगलवार, गांव भर की लड़कियां पहाड़ी पर गाने के लिए जाएंगी, तू भी वहां चले जाना, शानो भी वहां होगी। ले संभाल अपनी लाडली को, जो माँ बाप की इज्जत पर कीचड़ उछालती फिरती है। ये बेशरम कन्हैया करने चिल्लाते हुए तो की तरफ भाग रही थी उस बदमाश के पीछे। मुझे जो चाहे कह लो, मगर मेरे कन्हैया को कुछ न कहो। सुन लिया तूने? तुझे पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था, बिल्कुल से माथे पर कलंक का टीका लगा है, चलो उठ यहाँ से, उठ। मरे, अगर निकलने की कोशिश की तो जाने दो। कन्हैया कैसी सच्ची बदमाश है ये मुझे बदमाश कहता है? मैं कब तुमको बदमाश कहता हूँ कन्हैया? झूठ कह रहा। कल रात जब मैं यहाँ से गया तो तूने मुझे बदमाश कहा था कि नहीं? मैंने कभी नहीं कहा। क्यों मैं बदमाश? हाँ कन्हैया, मैं तुमको बदमाश कभी नहीं कहा है। झूठ, कल रात इसने मुझे बदमाश कहा, तूने भी मुझे बदमाश कहा। बोलता कि आज की भी तो कल की भी तो पकड़ो एक दूसरे के कान, उठक बैठक करो, करो तौबा, बोल मोटे, याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूठे किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूठे किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, हर बात पे कहते हैं के इस बात की तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूठे किस बात की तौबा।
मुझे बतला तो दे, मुँह फेर के मत हंस साकी, मुझे बतला तो दे, मुँह फेर के मत हंस कि मैंने अगर पीक तो किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। तौबा याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, कल रात की तौबा। ओ चाचा, ओ चाचा, क्या बात है, तुम्हारा उधार चुकाने आया हूँ। कौन सा उधार? कहा था ना मैंने चोली के बाद इकट्ठा रुपया। अरे कहाँ रुपए? बोल दिया ना जबानी, बस हो गया। ये बता, आँख मचोली खेली? हाँ चाचा, आँख मचोली भी खेली, बातें भी की। चाचा, चाचा शानो है ना, मुझसे प्यार करती है। ये तो बता, तो तुम्हें कैसे पता चला? मैं चाचा वहाँ आँख मचोली खेल रहा था, वहाँ नाथा मल आ गया, वो शानो को पकड़ के घसीटते ले गया, लेकिन शानो मेरा ही नाम लेती गई, कन्हैया कन्हैया। माँ क्या है? माँ ये काम तो छोड़ क्यों नहीं देते तुम? माँ इधर आ, मैं तुझे समझाती हूँ। बोल कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए माँ। नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुझे? वो फिर शर्म आ गई। देख माँ, तू सामने होती तो मुझे शर्म आती। इधर तू अंदर जा, अंदर जा ना, दरवाजे के पीछे छुप जा, मैं तुझे सब बताता हूँ। अच्छा, चलो बता क्या है। माँ वो पारो है ना, पारो। कौन से पारो? वो तू अंदर जाना माँ। अच्छा बाबा, अरे क्या हो गया उसे? उसे कुछ नहीं हुआ माँ, शानो घर का काम भी करेगी और तुम्हारी इतनी देर बात करने के लिए इतनी देर लगा दी? फिर सामने आ गई माँ। गंगा होश में तो हो, कहीं बेटे की दारू का नशा तुझे तो नहीं चल गया? ऐसे लुच्चे लफंगे शराबी के पल्ले बांधने से मैं अपनी बेटी को कुएं में झटका न दे दूं, उसका गला न घोट दूं? धीरे बोल धीरे, ये धौंस किसी और पर जमाना, हम अपनी इज्जत के मारे चुप है, नहीं तो तेरे लफंगे लाल को सानू के पीछे घूमने का मजा चखा दे। मुंह संभाल कर बात कर पा रो, अपनी लाडली को समझा जो बावली बनी फिरती है मेरे बेटे के पीछे। अरे वो थूकती है उसके मुँह पर, पारो तेरे घर आई हूँ चल, जी भर कर गालियां दे, तुम गाल उस दिन दूंगी जब तू बेटी के लिए खुद आकर मेरे किवाड़ खटखटाएगी। अरे क्या आता, मैं मर नहीं जाऊंगी तो हर साथ उस दिन किवाड़ खटखटाएगी मेरी चूतनी। अरे तू क्या, तेरा बाप भी खटखटाएगा। बारी खाता, अरे बारी का काम हो या उसका बाप हो, ये भोलेनाथ का मन का पानी में धोकर पी ले चारा ने। खांसी हो या फांसी, मन के को काले धागे में पिरो कर गले में बांध ले, सब ठीक हो जाएगा। अब छे आगे चाचा। नहीं आओ आओ भतीजे, आओ बैठो जाए भतीजे। क्या शानू ने फिर आंखें फेर ली है? शानू तो मुझ पर जान देती है चाचा।
की उसकी माँ ने रिश्ता टुकरा कर मेरी माँ का अपमान किया। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। अरे करना क्या है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा घर जी। शानू की माँ कौन होती है बीच में बोलने वाली। एक बात सुन, तू दिल पर हाथ रखकर शानू के पास पहुँच जा, तेरी फतेह होगी। मगर चाचा, अगर मगर नहीं चलती मोहब्बत में भतीजे, शानू के पास जा, उससे बात कर, वो भी तो परेशान होगी। बहुत परेशान। हाँ तो फिर सोचता क्या जा उसके पास, उसे मिल दिल की बात कह दे उसको। बोला दया कर, क्यों इसको मेरे पीछे डाल दिया है, दे दे इसको जानो। जहाँ चाहो आ सकते हो, मेरी बदनामी के डर से ना। बात भी तो सुना सकते हो कन्हैया, तुम्हारी बांसुरी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। सुनाओ सुनाओ बांसुरी सुनाओ ना।
नाथामल, ओ नाथामल। सलाम चौधरी। सलाम। आओ। कैसे आना हुआ? हम क्यों आए हैं ये तुम भी जान गए होगे। और बहू तभी आज एक बार भड़क उठे तो फिर काबू में नहीं आती नाथामल। हमारे दिन बहुत आगे निकल गए हैं और अब जो जमाना जा रहा अल्लाह ही इज्जत रखे सब। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा चौधरी। मतलब ये है नाथामल कि लड़की हो गई है सयानी। दुनिया को आदत है तमाशा देखने की तो तमाशा ना बन। तमाशा तो बन चुके हैं गोवर्धन काका। सोचो तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम जानते हैं कि कन्हैया अभी पर लड़की में लियाकत होगी तो ठीक कर लेगी उसे। लड़की चाहे मर जाए और इज्जत की लीलामी पिट जाए गांव भर में, लेकिन मैं कन्हैया की माँ के आगे अपना सर झुकाने को तैयार नहीं। लड़कियाँ तो पैदा होते ही माँ बाप का सर झुका देती है बहू। ये हट फजूल की है तेरी। रमजान चौधरी बात को तोल कर मुँह से निकालता है नाथामल। अच्छी तरह सोच लो। मैं क्या सोचूं? मेरी अकल तो काम नहीं करती। जैसे अच्छा समझो कर। अजी बेटी हमारी है, क्या कभी हमें सोचना है? बेटी तुम्हारी नहीं हमारी भी है। बेटी का धन साझा होता है बहू। पर गंगा जो उस दिन यहाँ ऊंची नीची कर गई है वो भी सुना किसी ने? अब सब कहा सुना भूल जाओ। तुम उस दिन को भूल जाओगी, तमाशा देखने वाले इस दिन को भूल जाएंगे। अच्छा नाथामल, हमारी समझ में जो आया कह दिया, आगे तुम खुद समझदार। अब सोच क्या रही है भगवान? पूछ देखो सभागिन से आखिरी बार और छोड़ दे डोरी राम पर। जा जा। शानो। हाँ माँ, क्या तू कन्हैया का ध्यान नहीं छोड़ सकती बेटी? नहीं तो फिर दे दूँ तेरा हाथ उसके हाथ। हाँ माँ।
थे कैसे क्या कब होगा। ये रुत है बहार की, सीजन वे रुत है बहार की, कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की। बली ये रुत है बहार की, जवाब मुझसे नहीं इस शराबी से पूछो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। नाथामल तुम क्या कह रहे हो? नाथामल कोई नशा तो नहीं पी लिया तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया, मगर तुम में से कौन है जो नशे में धुत होकर नहीं आया? जबान संभाल के बात करो नाथामल, तुम हम लोगों की बेइज्जती कर रहे हो। अरे तुम लोग तो पहले इज्जत खोल कर पी आए हो दारू में, क्या इसी को इज्जत कहते हैं? इसी को शराबत कहते हैं? वापस ले जाओ भारत। क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो चौधरी, मैं पीते जी अपनी लड़की अगर अपने हाथों से नहीं घोट सकता। अच्छी तरह सोच लो नाथामल, कन्हैया की बारात वापस जाने का सौदा महंगा पड़ेगा तुमको। क्या जाओ, तुम जैसे लटके लहंगे बहुत देखे हैं मैंने, निकल जाओ मेरे मकान से। कन्हैया से बिगाड़ के गांव में रहना मुश्किल होगा नाथामल, मैं भी अपनी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो साईं दास, बारात वापस जाएगी। तूने मुझे धोखा दिया है, मेरे घर वालों ने, बोलना
मेरा मन कहता है, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। कल रात तुम नहीं आए, कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कन्हैया, तुम मुझे एक ना एक दिन लेने जरूर आओगे। नाथामल, कौन है भाई? तुम्हारा जवाई, शानो को लेने आया हूँ। चला जा यहाँ, नहीं तो कुल्हाड़े से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कन्हैया के टुकड़े करने वाला कुल्हाड़ा भी नहीं बना नाथामल। भलाई चाहते तो शानो को मेरे हवाले कर दो। शानो का नाम लिया तो जान के। मुझसे पूछ गोकुल, मैं शानो को लेने आया हूँ। हिम्मत से मुझे रोक ले, हट जा बीच में से, छोड़ दे कुल्हाड़ा। इसको रोकने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। देख कन्हैया, अब भी चला जाए यहाँ से, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। खून खराब से नहीं करता नाथामल, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं कलाल चक्कू छीन सकता है मुझसे, कन्हैया अकेला इस सारे गांव पर भारी है, किसकी हिम्मत है जो आगे आए? आज तुम्हारी बहू के बगैर घर में कदम नहीं रखूंगा। आज के बाद तूने इस मोहल्ले में कदम रखा तो मैं तुझे संख्या दे दूंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद, उठ चल यहाँ से। नहीं माँ, मैं शानो के बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। शानो, कहा बुखार तेज और बगल में गांठ, बातें कर रहा हूँ उठपटा। अरे भाई, इस बीमारी का नाम तो प्लेग है, प्लेग। हाँ, प्लेग प्लेग। किसारी, बेटा किसारी। तो
चाचा, मेरी नफस देख चाचा, थोड़ा थोड़ा अब एकदम तेज हो गया। भाई हाथ पर इसको पकड़, अरे ओ कन्हैया, क्या हुआ गिरधारी? किया निकल आई है, बड़े जोर का सांप है, तू ही चलकर बचा सकता है उसे। अरे कैसे बातें करती है, चलो माची में चलता हूँ। देख मासी, वो प्याज है ना, प्याज प्याज तो आज को आग में झुलस कर इसकी गिरधियों पे बांध दे, गिरधारी ठीक हो जाएगा। बस बेटा। हाँ बस। और देख मासी, ये खिड़कियाँ है ना, इनको खोल दे, ताजा हवा आने दे। इसे किसने ठीक किया? अरे कन्हैया ने, और किसने? कन्हैया ने? हाँ हाँ कन्हैया ने, जिसे सब गांव वाले लुच्चा शराबी बदमाश कहते हैं। शानो, वो गिरधारी है ना, शिबो का बेटा, वो ठीक हो गया? ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, बुखार भी उतर गया और गिरधियाँ भी जाती रही। चलो अच्छा हुआ, बेचारा एक ही बेटा है माँ का। मैंने जो मैंने लाओ खड़ा, मैं ले चलता हूँ। क्यों? यहाँ तक तुम लाइयो, आगे मैं ले चलता हूँ। नहीं। मेरे साथ आंख मिचोली खेलोगी? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? कैसी लड़की हो, कभी कुछ और कभी कुछ? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम बीती बातें भूल क्यों जाती हो? शानो मुझे खिलौना समझाए, जी चाह तो खेलिए, जी चाह तो फेंक दिया, अगर मेरा भी तो दिल है। कहीं तुम्हारा सब तो नहीं फिर गया? जाओ इलाज कराओ अपना, पगला कहीं का। कन्हैया तूने गिरधारी को ठीक कर दिया, बहुत अच्छा किया। मैंने गिरधारी को ठीक नहीं किया, मैं तो पागल हूँ पागल, पर गांव में बीमारी बढ़ती जा रही है कन्हैया, तुम्हें चलकर कुछ करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सच कहता हूँ मैं कुछ भी तो नहीं जानता, ना दवाई जानता ना दारू जानता हूँ, तुमको किसी ने झूठ कह दिया। हमें तो शानो ने बीमारे पास, हमारे लिए नहीं तो शानो के लिए चलो। शान वो कौन होती है मेरी, उसके लिए तो मैं पागल हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम लोगों से, तुम लोग चले जाओ और शानो से भी कह दो कि बस अब बहुत हो गया, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मगर गांव वालों को किसके हाल पे छोड़ो? मुझे क्या मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। आओ भाइयों शानो के पास चले, वही इसे लाएगी। आओ तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए।
मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी खिल उठा था बाहर में जिन्हें इस जहां ने भुला दिया मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए क्यों ना शाख से तोड़ दो मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए कन्हैया आज मैं तुमसे नाराज हूँ मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने कठोर हो लोग तुम्हें बुलाने आए और तुमने एक न सुनी उनकी ये कहाँ का इंसाफ है कन्हैया एक गिरधारी को ठीक करके बाकियों से मुंह मोड़ लिया है तुमने तुम एक फूंक मार दो तो रोगियों के रोग चल जाए सादा पानी पिला दो तो अमृत होकर लगे तुम्हें आना ही पड़ेगा कन्हे मैं सबसे वादा करके आई हूँ देखो मेरे विश्वास को झूठा न करना तुम्हें मेरी कसम भाई कसम आऊंगा शानो जरूर आऊंगा शानो Ha ha ha.
भाइयों, मैंने आप लोगों को आज इस समय इसलिए बुलाया है कि 20 बरस से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मैंने नहीं किया, फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आता कि सारा गांव कन्हैया के पीछे क्यों भाग रहा है। भाई उसको क्या आता है, कल तक तो वो शराब के ठेके में झक मारता था और आज हकीम बन के बैठ गया। उसने गांव की बीमारी को भगा दिया है चाचा। लो और सुन लो, कन्हैया ने गांव से बीमारी को भगा दिया है। अरे मुन, वो तो बादी के फोड़े थे जो अपना समय लेकर अच्छे हो गए, इसमें कन्हैया ने कौन सा तीर मारा है। ओ, क्यों भाई इसको उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? राम बिचारे को सरसाम हो गया चाचा, इसको कन्हैया के पास ले जा रहे हैं। अरे कन्हैया क्या जाने इसका इलाज, खटिया इधर लाओ। मगर चाचा ये तो आखिरी सांस गिन रहा है बेचारा। अरे मैं इसके सांस शमशान से भी वापस ले आऊंगा, रख दो खटिया, रख दो। हाँ मैं मुर्दों में जान डाल सकता हूँ, तुम लोगों ने साईदास को देखा है, उसकी हिकमत को नहीं देखा। मैं ऐसा टोटका करता हूँ कि उठकर बैठ जाएगा हर नाम और सबको करेगा प्रणाम। मैं पकड़ रहे हाँ बम बोले बोले सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है ना। इस गांव में और कौन माई का लाल है जिसे ये विद्या आती हो, जिसे तुम हकीम समझते हो ना। मुश्किल बनी थी तो मेरे पास यहाँ था गोली मांगने। कौन भैया? कन्हैया नहीं तो और काम, अपनी गरज को बड़े हाथ पांव जोड़ता था मेरे आगे, मगर मैं पाप का भागी नहीं बना। पाप कैसा चाचा? आप कब तक छुपाऊं मैं ये बात, बताता हूँ। सब आओ मेरे पास बैठ जाओ। देखो भाई, ये तो सारा गांव जानता है कि कन्हैया का शानो के साथ टांका है। अब शानो कन्हैया के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसी के लिए कन्हैया मुझसे गोली मांगने आया था। मैंने गोली नहीं दी बाबा, एक पाप के बाद वो दूसरा पाप भी करना चाहता था। देखो किसी को बोलना नहीं है। बोलना कैसे नहीं चाचा, आखिर हम भी तो बहु बेटियों वाले हैं। चलो भाइयों, अभी रमजान चौधरी से जाके कहते हैं, चलो। अरे भाई सुनो, अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा नाम नहीं लेने वाला। तुम बोलना ये लो बांट लो आपस में, कमाल कर दिया तुम लोग ने। देखो वो लोग गए चौधरी रमजान के घर, तुम भी वहां पहुंच जाओ, सुबह होने तक नाथा मान के घर पंचायत बैठ जानी चाहिए। जरूर बैठ जाएगा, आप फिक्र ना करो चाचा, जरूर बैठ जाएगी। आप कानों की मैल निकलवा लेना था मन, फिर सुनाई देगी तुझे दुनिया की बात। गांव भर में डोंडी पिट चुकी है और तुझे कुछ पता ही नहीं। पर कोई बताए तो पता चलेगा का। तुम तो जानते हो मैं कहीं जाता नहीं आता नहीं, मगर घर में तो रहते हो ना। बेटी की चाल ढाल में, उसके उठने बैठने में, उसके खाने पीने में तुम्हें कोई फर्क मालूम नहीं हुआ? क्या कहते हो? जो सारा गाँव कहता है, नाथा मल तुम्हारी शानो माँ बनने वाली। जबान बंद करो। हम तो जबान बंद कर लेंगे, मगर दुनिया की जबान कैसे बंद करोगी? दुनिया बकती है, झूठ बोलती है। तो क्या ये भी झूठ है कि तू कन्हैया से पहाड़ी पे जाके मिलती है? ये सच है, मैं कन्हैया से मिलती हूँ। कौन रोक सकता है मुझे कन्हैया से मिलने को? सुन लिया नाथामल,
अब से कोई शंका रह गई है चौधरी? चौधरी अगर ऐसे ही लड़कियां काला मुंह करती फिरेंगी तो इस गांव का क्या होगा? लड़की, तूने सारे गांव की इज्जत पर थूका है और तुम लोगों ने सारी औरत जात के मुंह पर थूका है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं उतनी ही पवित्र हूँ जितना गंगा का पानी। गंगा में दूध बहा करता था किसी जमाने में, और जब से तेरे जैसी लड़कियों ने झूठी कसमें खानी शुरू की हैं, दूध का पानी बन गया है। अब भी सच बोल दे लड़की, नहीं तो पानी का जहर बन जाएगा। दूध का पानी और पानी का जहर उन पापियों के कारण बना है जिनके मन गंदे हैं, जिन्होंने औरत को सदा शक की नजर से देखा है, जिनकी जबान सीता जैसी देवी पर भी तोहमत लगाने से नहीं रुकी। अपना मुकाबला सीता से करती है? मैं ही क्या, दुनिया की हर औरत सीता का मुकाबला कर सकती है अगर वो पवित्र है तो। मगर बेटी, उस देवी ने तो अपनी पवित्रता की परीक्षा आपकी गोद में बैठ कर दी थी। रमजान चाचा, मैं भी अपनी पवित्रता की परीक्षा आपकी गोद में बैठकर देने को तैयार हूँ। शानो, ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ बाबू, ये लोग मुझे ज्वालामुखी में भी फेंक दे, मेरा कन्हैया मुझे वहाँ से भी बचाएगा। वो बदमाश क्या बचाएगा तुझे, जिसने सारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है। कन्हैया ने गांव की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाया, बल्कि गांव की मिट्टी को इज्जत बना दिया है। आज दूसरे गांव वाले भी इस मिट्टी को माथे पर लगाते हैं। भूल गए उसके ऐसा, जब गांव में प्लेग पड़ी तो कौन सामने आया था, किसने सबको मौत के मुँह से बचाया था? मेरे कन्हैया ने। तुम परीक्षा लो, वही कन्हैया मुझे भी बचाएगा। चलो चौधरी, जितना तैयार करो चलकर। हाँ हाँ, करवा के ना तैयार, अभी और इसी वक्त। चलो, ये क्या कर रही है बेटी? ना कर, ना कर। ये तुम्हारी शानो की परीक्षा नहीं है माँ, हजारों बरस बाद आज फिर सीता माँ की परीक्षा है। मैं भी देखती हूँ मेरा कन्हैया मुझे कैसे नहीं बचाता। ना थमल, बेटी को अब भी समझा ले, परीक्षा की अड़ छोड़ दे, नाहक अपनी जिंदगी से खेलना चाहती हो। अगर वो सच्ची नहीं है तो जल मरने दो, बदनामी के जीने अच्छा है चौधरी। पर जान लेना तो खुदा का काम है ना थमल, खुदा के बंदों से ये गुनाह नहीं होना चाहिए। ये आप क्यों कहते हो चौधरी, उस पर इल्जाम भी तो खुदा के बंदों ही ने लगाया है। अब तो जो होता है होने दो चौधरी। कन्हैया, अरे वो कन्हैया, तूने भी कुछ सुना नहीं देखा, घोर कलजुग आ गया है, पता नहीं गाँव में क्या होने वाला है। क्या हुआ माँ से, क्या बात है? किसानों की चिता बना रहे हैं गांव वाले, उस बिचारी को जिंदा जला रहे हैं। जला रहे, क्यों? गांव वाले कहते हैं वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चे की माँ? ये झूठ है, मेरे होते हुए ये जुल्म नहीं होगा। कन्हैया, अरे आ कन्हैया, कन्हैया! चिता तैयार है। शानो, मेरे बच्चे, अब ना कर दे, कुछ नहीं बिगड़ा मेरी रानी, कुछ नहीं बिगड़ा। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम विश्वास रखो ना। नहीं शानो, नहीं नहीं, मेरी बच्चे। शानो की माँ, शानो के बापू, मुझे भी इसके साथ जाने दो। शानो की माँ, शानो को घर ले चलो। शानो, मैं चलूँ भाई, अब बिठाऊँ चिता पर। ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो। क्या जुल्म हो रहा है गाँव में? शानो निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष है चौधरी। वो तो अल्लाह ही जानता है, मगर तेरी बात को यहाँ कौन मानेगा कन्हैया? मैं कहता हूँ, बिल्कुल सच कहता हूँ, शानो देवी है, देवी है। और तू भी तो एक देवता है इस गाँव में, चला जाए यहाँ से, वरना हड्डी पसली एक हो जाएगी। इसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ उंगली भी उठाए। कौन माई का लाला जो मेरे सामने आए? दुनिया में लड़ने नहीं आया, सच्चाई की मदद करने आया। बड़ा आया सच्चाई का ठेकेदार, जान की सलामती चाहता है तो चला जाए यहाँ से। गोकुल, तू, मैं तेरी असलियत अच्छी तरह पहचानता हूँ, कमीने। कन्हैया, तू दुश्मनी मोल लेता है, तू अकेला है बेटा, उधर सारा गांव। मैं सारे गांव को हेज समझता हूँ अपने आगे, मैंने शेरनी का दूध पिया। पर तूने गांव वालों के हाथ नहीं देखे कन्हैया, अब भी कहता हूँ चला जाए यहाँ से। पंचायत की बातों में दखल देने का तुझे कोई हक नहीं। जिंदा इंसान को चिता में जलाने का पंचायत को भी कोई हक नहीं है। नहीं कन्हैया, क्यों झगड़ा मोल लेता है? मैं नहीं सारा तेरी जान का दुश्मन, चल घर, मैं कैसी हूँ घर से? वो क्या माँ, आज मैं जिंदा रहूंगा या ये लोग, जिसकी रगों में ज्यादा खून आ जाए मेरे सामने। अरे छोड़ो ना,
शर्म लड़की, कैसी बात को छुपाने के लिए झूठी कसमें खाई थी पंचायत में? मगर ये कन्हैया निर्दोष है, मैं कहती हूँ ये कन्हैया निर्दोष है, तुम लोग सुनते क्यों नहीं? ये मेरा कन्हैया नहीं है, मेरा कन्हैया तो वो है जो पहाड़ी पर आकर मुझे बाजरी सुनाता है, वही मुझे बचाएगा, तुम लोग देख लेना, वही कन्हैया मुझे बचाएगा। तेरी शानों को नहीं बचा सकता कन्हैया, एक एक दो ग्यारह हो जाएंगे, तेरी शानों खतरे में कन्हैया। शानो, अब भी मान जा बेटी, अब भी मान जा। आ कन्हैया, वरना तेरी शानों हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तेरे नाम की रट लगा रही, सच्चे दिल से तुझे पुकार रही, मोहब्बत को लाज ना लगा शानू के कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया, हम दोनों मिलकर उसे बचा ले, फिर चाहे तू ही उसे ले जाना, मैं तेरे प्यार के रास्ते से हट जाऊंगा कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया, मैंने बात ही सुन ली, अब सामने भी आ जा, देख देख अब की वक्त है तुम शानों को बचा ले। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अब की बात ही बजा जा, तू सामने क्यों नहीं आते, तुम्हारी बात ही सुनने वाले की जान खतरे में कन्हैया। देख मुझसे डरता है क्या? मैं तेरे से उलझूंगा नहीं कन्हैया, मैं तेरे से उलझूंगा नहीं, मैं शानों की कसम खा भी कहता हूं कन्हैया, अपनी वक्त का देर न कर, चल कन्हैया 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 कन्हैया, प्रेम भक्ति का सबसे बड़ा रास्ता है और बलिदान प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति। अपने प्रेम का बलिदान देकर शानों से पहले तूने मुझे पा लिया है। अहम ब्रह्म बोल कन्हैया, अहम ब्रह्म बोल, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, अब मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं, जो मैं कर सकता हूं वो तू भी कर सकता है,
रुक जा ओ जाने।